और अभी ग्रुप डी की तो जैसे चल रहा है, तो आपका क्या बाकी है? सर मेरा पैनल में नाम भी आ गया है, सिर्फ अब कॉल लेटर आना बाकी है। कोई सा एग्ज़ाम आपका रिसेंट में निकला है? हाँ सर, मेरा अभी SSC GD का एग्ज़ाम निकला है। फिजिक्स आपको किस एग्ज़ाम में हो गया? GD निकला सर अभी। मैंने CGL का प्री क्वालिफाई किया था, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ किसी वजह से, और अभी CHSL का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 145 मार्क्स है अभी। कर CMTS का एग्ज़ाम दिया था, 50 क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें, तो उसमें 40 अटेम्प्ट करे। जी आपका नाम बताइए। मोहिनी यादव। मोहिनी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मुंदी से। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 30 किलोमीटर। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है सर। ये आपका जो पोस्टर है पूरा वर्दी से भरा हुआ है। वर्दियों की जो अभी परीक्षा निकली थी उसमें कांस्टेबल से हमारे यहाँ पर 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। स्टूडेंट, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी का एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम खड़े हैं खंडवा के एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन सेंटर पर, जिसे कि गवर्नमेंट जॉब की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, जहाँ की बड़ी बड़ी एग्ज़ामों में अधिक संख्या में सिलेक्शन दिए है। अगर हम एग्ज़ामों की बात कीजिए तो SSC, रेलवे और व्यापम जैसे एग्ज़ाम में सिलेक्शन दिए है। अगर रेलवे की बात की जाए तो रेलवे में बड़े बड़े पद जैसे कि JE, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट, ग्रुप डी और NTPC जैसे एग्ज़ामों में सिलेक्शन दिए है। अगर SSC की बात की जाए तो SSC, CGL, CHSL, MTS, GD जैसे एग्ज़ामों में सिलेक्शन दिए है। अगर हम व्यापम की बात की जाए तो व्यापम में सब इंजीनियर और सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, संविदा वर्ग जैसे एग्ज़ामों में सिलेक्शन दिए है। और भी बहुत से सेक्टर है जहाँ पर सिलेक्शन दिए। अगर मैं ऐसे ही गिनाते रहूँ तो शाम हो जाएगी। तो देरी ना करते हुए हम इस एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर राहुल गीते जी से मिलते हैं। स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आपका नमस्कार। नमस्ते सभी को, मेरी तरफ से जय हिंद और सभी का इस चैनल पे स्वागत है। सर जैसे कि इसे गवर्नमेंट जॉब की फैक्ट्री कहते हैं, तो ये काम कैसे करती है? तो आज मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब की फैक्ट्री है, स्टूडेंट ने ही एक नाम दिया हुआ है, तो ये काम कैसे करती है, यहाँ पर स्टूडेंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से कहाँ बच्चे पहुँचते हैं। हम लोग बहुत ध्यान रख के पढ़ाते हैं, तो कैसे बच्चे के आने से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक हम उसका साथ देते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो एक एक स्तर के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको वहाँ लेकर के चलता हूँ जहाँ पर कि सबसे पहले जब एक स्टूडेंट आता है तो अपनी शुरुआत करता है, तो सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं। तो अभी हम वहाँ पर खड़े हुए हैं जहाँ पर कि सबसे पहले किसी स्टूडेंट की शुरुआत होती है, यानी कि सबसे पहले उसका फर्स्ट डे इस क्लास से शुरू होता है। तो ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये जो सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, ये वे स्टूडेंट हैं जो शुरुआती स्तर पे हैं, शुरुआती तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पर शुरुआत होती है। सर ये स्टूडेंट सब नीचे बैठे हैं, इसका कारण क्या है? स्टूडेंट के नीचे बैठने का एक या दो कारण मैं बता सकता हूँ, और वो दो कारण में सबसे पहला कारण तो ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट यहाँ पर आता है तो वो एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट में सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहा है, ये उसका मेन जो है एम होता है। इसका मतलब सुविधाएं नहीं देखता है, क्योंकि हम सुविधाएं उतनी दे भी नहीं पाते हैं उनको, हम सिर्फ उनको सुविधाओं के रूप में बहुत अच्छी पढ़ाई दे पाते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखता है कि उनको कैसी पढ़ाई मिल रही है। जहाँ तक बैठने की नीचे बात है, तो क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है, इसलिए कम है क्योंकि हमारी फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है। यदि हम 20,000-25,000 फ़ीस लें तो सबको AC भी उपलब्ध करवा देंगे, लेकिन हमारे पास में क्योंकि फ़ीस के स्तर के ऊपर ऐसा है कि हम दूसरों से एक तिहाई फ़ीस लेते हैं। यदि कोई 15,000 फ़ीस ले रहा होगा तो हम उसकी एक तिहाई फ़ीस लगभग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में सुविधाएं देने के मात्र लेवल पे पढ़ाई ही है, और ये सब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इसीलिए ये सभी के सभी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सुविधाओं से, लेकिन पढ़ाई में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। तो बकायदा आप इनसे पूछ भी सकते हो कि इनको कोई परेशानी हो उत्तरी हो रही है। हम बच्चों से बात करते हैं कि यहाँ पर इनको बैठने में कोई इशू आते हैं या नहीं। जी आप कहाँ से आते हो? मैं ग्राम बरूर से आती हूँ, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। तो आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको कोई दिक्कत आती है? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आपको मज़ा आता है क्या यहाँ बैठने से? यस सर, कंफर्टेबल रहता है, सारी चीज़ें पास में ही रहती है, कुर्सी टेबल होते हैं तो बार बार उठ के जाना पड़ता है। पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? यस सर, बहुत अच्छी होती है, एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है। और भी कुछ बच्चों से बात करते हैं हम, जैसे कि ये बहुत दूर से आ रहे हैं, 30 किलोमीटर से दूर से आ रहे हैं,
और बच्चों से बात करते हैं। आप कहाँ से आते हो? आपका नाम बताइए। प्रिया पवार। आप कहाँ से आते हो? मकराड़ा से। कितने किलोमीटर दूर है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दूर। आपको यहाँ बैठने में कोई इशू आते हैं? नो सर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती है। अच्छी होती है तो यहाँ तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आती है, बेसिक से चल रही सिर्फ चीज़ें। आपका नाम बताइए। निकिता पाटिल। निकिता, आप कहाँ से आते हो? नेपानगर से आते हूँ। नेपानगर, यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 70-75 पड़ता है, ट्रेन से 35 मिनट लगते हैं जाना। ट्रेन से आप डेली अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको नीचे बैठ के पढ़ाई करने में कोई दिक्कत आती है? नो सर, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं? पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे? बिल्कुल सर, बहुत अच्छी होती है। कौन पढ़ाते हैं आपको? राहुल सर, राहुल गीते। राहुल गीते सर। सर बच्चों को तो कोई इशू नहीं आते हैं? और इशू हम कोशिश रखते हैं कि आने भी ना दें। सिर्फ इशू ये आ सकता है कि सर एक चैप्टर में ये समस्या है, वो चैप्टर में वो समस्या है, तो बाकायदा मैं पर्सनली जो है वो बैठ करके हर एक स्टूडेंट के साथ में बैठ करके मैं उनकी समस्याओं का सॉल्व करता हूँ। और बाकी सुविधाओं के स्तर के ऊपर जो है वो कभी किसी को स्टूडेंट को समस्या नहीं आई यहाँ पर। जितना भी बच्चे पढ़ते हैं खुद की इच्छा से पढ़ते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता उन्हें यहाँ पर बैठने का। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि कोई प्रेशर नहीं है यहाँ पर बैठने का, लेकिन फिर भी क्योंकि ये देखा जाए कि हमारे यहाँ पर ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये कोई इंग्लिश मीडियम से, कोई हिंदी मीडियम से है, कोई किसी का जो है फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है लेकिन किसी का बहुत वीक है, यहाँ पर वो एक रूपता सीखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है एजुकेशन की वो होती है एक रूपता, कि आप एक समान रूप से सबको देखो। किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप उसको ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हो, किसी के पास नहीं है पैसे तो वो सुविधाएं कम ले रहा है, तो यहाँ एक रूपता है। मैं अभी आपको आगे भी जगह दिखाऊंगा जहाँ पर कि क्लासेस ऐसी हैं हमारे पास में जहाँ पर डिजिटल क्लासेस भी हम उसको कह सकते हैं पार्शियली, तो मैं अभी आपको आगे वो भी दिखाऊंगा। लेकिन ये शुरुआती स्टूडेंट हैं, इनको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, सुविधाएं कम मिलनी चाहिए, ये हमारा ऐसा मोटिव होता है। इसके बाद में इनका पूरा ध्यान जब पढ़ाई पर ही होगा, सुविधाओं पर नहीं होगा, तो ये निखर जाते हैं मात्र एक महीने में ही। मेरा ऐसा दावा रहता है कि एक महीने में ये वो सीख जाते हैं जो कहीं पर भी पढ़ने वाला कोई अन्य स्टूडेंट जो है वो 3-3, 4-4 महीने नहीं सीख पाता है। और ये बदलाव इनमें दिखाई भी देता है। किसी भी स्टूडेंट को लगभग पहाड़े जो होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू करता है, एक बेसिक नीड होती है, पहाड़े बच्चों को याद नहीं होते। और ये सभी वे बच्चे हैं जो कि लगभग 20 तक कंठस्थ पहाड़े जो है वो याद कर लेते हैं या याद करने की प्रोसेस में हैं। यानी कि ये अभी कम से कम टुकड़े में जवाब दे देंगे लेकिन जवाब ज़रूर दे देंगे। दूसरी बात ये होती है कि यही शुरुआत होती है हमारे यहाँ की, एकदम बेसिक से, ज़ीरो से मैं जोड़ने घटाने से लेकर के शुरुआत करता हूँ मैथमेटिक्स की। तो सर आप पहाड़े की बात कर रहे हो तो पूरा बेसिक से हो गया। बिल्कुल, हम पहाड़े भी याद करवाते हैं क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि कोई स्टूडेंट यहाँ सफल होने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता है। तो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि वो सफल हो करके यहाँ से जाए, और उसके लिए यदि कोई छोटी चीज़ भी ज़रूरत की है तो मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ, ना कि सिर्फ उसको एक फ़ीस देने का एक साधन समझूँ कि इसने फ़ीस दे दी है, बाकी सिर्फ ये अपना जाने और अपना हिसाब से पढ़ाई करे। तो मेरा कोशिश ये रहता है कि यदि उसके अंदर कोई कमी है वो उम्मीद से आया तो उसकी सारी कमियों को दूर करना हमारा कारण, यानी कि हमारा ही जो है वो उद्देश्य होना चाहिए। तो ये अभी तक की मैंने आपको यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बताई है, और अभी आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर स्टूडेंट तो दिख गए लेकिन आप बच्चों को पढ़ाते कहाँ हैं, आपका क्लासरूम कहाँ पे? तो मैं अब अपना क्लासरूम बताता हूँ आपको, और अच्छा लगेगा, बहुत डिजिटल टाइप का क्लासरूम है मेरा। तो आइए, तो ये है मेरा जो क्लास है, ये है मेरा क्लास जहाँ पर मैं बैठ करके पढ़ाता हूँ। और ऑब्वियसली आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा ये चीज़ कि ये कौन सी क्लास है, लोगों का तो तरीका अलग होता है पढ़ाने का। तो ये आप डेस्क देख सकते हो, ये मेरा बैठने का सोफ़ा है जहाँ पर मैं बैठता हूँ। थोड़ा कुशन इसलिए है क्योंकि मेरे को करीब करीब यहाँ पर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस अभी तक लेनी पड़ती हैं, तो मैं बाकायदा यहाँ बैठ जाता हूँ। और आप भी बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, मैं बताता हूँ आपको। तो इस तरीके से जो है मैं बैठता हूँ, और स्टूडेंट इस तरीके से बैठते हैं, और मैं यहाँ पर बैठ करके पढ़ाई करवाता हूँ स्टूडेंट को। ये रहे मेरे 2 डिजिटल बोर्ड, आप कह सकते हो कि ये मेरे 2 डिजिटल बोर्ड है। इनके ऊपर आप देख सकते हो कि मैंने शुरुआत आज एक नए स्टूडेंट की करवाई थी, तो ये मैं शुरुआत जो है वो यहाँ से करवाता हूँ, एकदम ज़ीरो लेवल से। और ये मेरी 2 स्लेट हैं जिनके ऊपर मैं बैठ करके पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को। इस तरीके से जब पढ़ाई होती है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है, पढ़ाने में और पढ़ने में भी। तो ये मैंने आपको अपनी क्लास बताई है। सर
दुनिया और कोचिंग क्लासेस डिजिटल की ओर जा रही है और आप रिवर्स में गाड़ी लेके जा रहे हो, ये क्या है? ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई होती भी अभी। हाँ, ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है लोगों को कि लोग जो है वो दो दो लाख रुपए के डिजिटल बोर्ड और तामझाम पे जा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस। ऑनलाइन तो छोड़ दीजिए, आजकल ऑफलाइन क्लासेस में भी लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो मेरा कारण ये था ये डिसीजन लेने का कि मैं आपको अभी आगे ऊपर हमारी क्लास बताऊँगा जिसमें कि सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसलिए आना पड़ा क्योंकि मैंने देखा कि 50 लोगों की एक क्लास में, मैं सिर्फ इतना कहूँ कि अभी तक हम मैक्सिमम 30 से 35 बच्चों की क्लास लिया करते थे, और उसमें होता ये था कि जब मैं मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं एफटी पढ़ाता हूँ, गणित पढ़ाता हूँ, तो होता ये था कि जब मैं बच्चों के चेहरे देखता था और जब मैं सवाल करके 3 बार पूछता भी था कि आपको समझ में आ गया है क्या, नहीं आया क्या, तो वो जो चेहरे पर दिख जाता है एक टीचर को कि इसको समझ नहीं आया, इसको नहीं आया, लेकिन ये फिर भी नहीं पूछ रहा है। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि ये चीज़ सही नहीं है, ये निर्णय रिज़ल्ट के लिए सही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोगों ने और थोड़ा नीचे आ गए, और यहाँ पर मैं एक एक सिंगल सिंगल स्टूडेंट को जो है वो पढ़ाता हूँ। आज भी एक स्टूडेंट जो है उन्होंने एडमिशन लिया है, मैंने उनको पूरा बकायदा व्यवस्थित शुरुआत उस शून्य से करी है, यानी कि हम हर एक स्टूडेंट, यदि वो रोज़ भी आ रहा है तो उसको ज़ीरो लेवल से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मेरा कोशिश रहता है कि मैं अपने काम के प्रति अकाउंटेबल रहूं। यदि कोई बच्चा अपनी फ़ीस भर रहा है तो वो जितनी फ़ीस भरता है उससे 10 गुना हम उसको रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर बैठ के पढ़ाते हैं। अभी तक का रिज़ल्ट बहुत शानदार रहा। ये सारे के सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे जो है यहीं पर बैठ कर के पढ़े हैं, और इसी तरीके से पढ़े हैं कि मैं बाकायदा एक एक व्यक्ति को देखता हूँ, और यदि उसके चेहरे पर भी मुझे क्वेश्चन दिखता है तो मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हारे को क्या क्वेश्चन पूछना है वो तुम पूछो। तो यहाँ पर उनका फियर भी ख़त्म हो जाता है पूछने का, प्रश्न पूछने का। तो ये हमारी शीट्स हैं जो कि हम हर एक स्टूडेंट को उपलब्ध करवाते हैं। यदि हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो उसको टास्क भी देते हैं कि वो उस काम को करे। तो इस तरीके से टोटल मिला करके हमारे पास में कुछ शुरुआती दिनों की शीट होती है, वो शीट हम उनको अवेलेबल करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारे स्टूडेंट यहीं पर सीखते हैं, यहीं पर प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी ये सभी जो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर, ये सभी अपना अभी टास्क पूरा कर रहे हैं, जो कि किसी प्रकार से जिसको कहना चाहिए कि इन्हें दिया गया है आज के लिए। तो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पर इनका ध्यान रखा जाता है। हर एक स्टूडेंट से के पास में मैं कम से कम एक क्लास में 2 से 3 बार ज़रूर आता हूँ, यानी कि यदि ये कर भी रहे हैं कुछ काम तो मैं देखता हूँ कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। तो मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई ख्याल रखने का एक तरीका होती है, बिजनेस अपनी जगह होता है। सर, जैसे कि आप डायरेक्टर होकर हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल पढ़ाते हो, इसमें कोई आपको दिक्कत आती होगी? दिन भर आप इसमें ही व्यस्त रहते होंगे। हाँ, ये इसकी वजह से हम लोग हमारी जो है वो रिजल्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पाते। सबसे बड़ा तो हमारा ड्रॉबैक ये होता है, जैसे जो शुरुआत में आपने रिजल्ट गिनाए थे जी, वो रिजल्ट्स वाकई में यहाँ से आए हुए हैं, और खंडवा में जो आप हमारा शुरुआत हुआ था, तो जब हम वहाँ खड़े हुए थे तो राशि धाकड़ जो NTPC में जिन्होंने लड़की के तौर पे स्टेशन मास्टर पद हासिल किया है, वो पहली लड़की बनी है यहाँ से। तो ऐसे बड़े सिलेक्शन भी है, लेकिन हम इनका प्रचार नहीं कर पाते कभी कभी। हाँ, ये है कि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय हम बच्चों को दें। यदि मैं टीचर हूँ तो मैं करीब करीब यहाँ पर सुबह 8 बजे इंस्टीट्यूट आ जाता हूँ, और मैं यहाँ से करीब करीब 9 बजे घर जाता हूँ। मतलब मैं 13 घंटे इंस्टीट्यूट पर रहता हूँ, जिसमें से सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक मैं यहाँ पर बैठ करके लोगों को पढ़ाता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि मैं टीचर हूँ तो मुझे कम से कम 8 घंटे मेरे जो है वो स्टूडेंट्स को अपने देने चाहिए। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके वो काम कर सकता हूँ मैनेज करने के लिए, कि मैं कुछ टीचर हायर कर सकता हूँ, लेकिन वो काम हम हमने किया लेकिन वो कभी संतुष्टि नहीं दे पाया, और इतने बड़े रिज़ल्ट सिर्फ हम 4-5 फैकल्टियाँ हैं यहाँ पर, उन्हीं के बेसिस पे आए हैं। तो ये सभी की एफ़र्ट्स होती है, अकेला मैं नहीं, हर एक फैकल्टी यहाँ पर, जैसे आप वहाँ मैम को भी देख सकते हैं यदि आप दिखाएं तो मैम भी जो है वो हर एक स्टूडेंट के ऊपर नज़र रख रही है यहाँ पर। और मैम का काम दिन भर यही होता है कि हर एक स्टूडेंट को ऑब्ज़र्व करना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान दी जाती है इस प्रकार से इंस्टीट्यूट में। तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो विशेष तौर पर यदि यहाँ पर रिज़ल्ट लेने के लिए आया है तो हम उनको रिज़ल्ट ही दें,
ना कि सिर्फ उनको एक भ्रम दे दें कि चलो भाई हमने आपका 6 महीने ख़त्म कर दिया, अब आप अपने हिसाब से तैयारी करो। हम उनका अंत तक साथ देते हैं, और जो कि मैं अब आपको अगले लेवल पे बताने वाला हूँ, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 महीने बैठेंगे। यहाँ सिर्फ ये मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, हम एक समय पर एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम 50 सब्जेक्ट एक बार में पढ़ा देते हैं, हम बहुत ख्याल रख के किसी बच्चे को पढ़ाते हैं। सो सिर्फ मैथमेटिक्स वो पहले पढ़ेगा, फिर उसके बाद में अन्य सब्जेक्ट पढ़ेगा। तो अब मैं आपको सेकंड लेवल पे लेके चलता हूँ, और यदि आपका कोई सवाल हो मन में आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। स्टूडेंट के लिए करते हो तो जो इसका डाटा वगैरह सब आपका ही काम रहता है निकालना और स्टूडेंट को परोसना सब? बिल्कुल, कोशिश मेरी ये रहती है कि जितना ज़्यादा मैं भी अपने स्तर पर रिसर्च कर सकूँ, और साथ ही साथ हमारे जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करते रहते हैं। मतलब कि यदि ये क्वेश्चन यदि मुझे देना था स्टूडेंट को, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद छांटे हैं, खुद निकाले हैं और फिर दिए हैं, क्योंकि हर एक मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे मटेरियल मेरे हिसाब से होना चाहिए। मुझे मालूम है कि मैं किन स्तर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे ये पता होना चाहिए कि ये बच्चे की मानसिकता को सूट करेगा कि नहीं। ये शुरुआती बच्चे हैं जिन्हें पहाड़े भी नहीं आते। आज बहुत सारे बच्चे यदि ये वीडियो देख रहे होंगे और वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में होंगे, तो वे अपने आप से पूछें कि उन्हें कितने स्तर तक के पहाड़े आते हैं याद। तो बेसिक नीड भी यदि बच्चों की पूरी नहीं हो रही है खुद से और इंस्टीट्यूट की वजह से, और उनको मार्गदर्शन सही नहीं मिल रहा है, तो फिर पैसा बर्बाद करने से फ़ायदा क्या है। तो मैं हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट को, इनके टारगेट होते हैं, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपको टेबल टेस्ट दिखाता हूँ। तो ये रहा, ये टेबल टेस्ट जो होता है, ये टेबल टेस्ट बच्चों को दिया जाता है, आप इसके ऊपर पहाड़े याद करके टेस्ट दो। यानी कि हम ये उनके ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं कि आप अपना टेस्ट खुद ही दे दो, हम बोल रहे हैं टेस्ट दे के बताओ। तो ये आप टेस्ट देख सकते हो कि इस तरीके का टेबल टेस्ट होता है, जिसमें कि सीधे पहाड़े उल्टे पहाड़े तक का हम इनको मेहनत करवाते हैं। तो ये स्तर की मेहनत यहाँ पर होती है एकदम ज़ीरो लेवल से। पूरे तरीके से यदि मैं कहूँ तो हमको सिलेक्शन से मतलब है, हमें उस स्टूडेंट की फ़ीस से सिर्फ हमारी फ़ीस वो ज़रूरत पूरी करती है। देखिए ये बच्चों के पास में क्यों बैठने के लिए उतने साधन नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमने फ़ीस ले ली। ज़मीन जगह दे तो रही है बैठने के लिए, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो उसके बाद में जितनी भी अतिरिक्त सुविधाएँ वो सिर्फ अतिरिक्त हैं। तो इसलिए हम लोग ये पूरा मटेरियल, ये सारे टेस्ट, ये हमने अपने मन से निकाले हैं, अपने मन से बनाए हैं, और ये सब एग्ज़ाम में आई हुई चीज़ें हैं। तो ये मैंने आपको बताया, अब आप कहें तो मैं आपको सेकेंड स्तर पे ले जाता हूँ। तो अब मैं आपको उन बच्चों के बारे में बताने वाला हूँ जो इस स्तर को पास कर जाते हैं, यानी कि पार कर जाते हैं। तो करीब करीब 2-3 महीने, जैसे मैंने कहा, या 4 महीने वो यहाँ पर रुकने के बाद में अगले स्तर पे जाते हैं, और वो अगला स्तर क्या होगा मैं अब आपको उसको शेयर करता हूँ आपके साथ में। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। जी बिल्कुल सर, ये जूते चप्पल का बताएं सर। सर एक क्वेश्चन था आपसे, ये जूते चप्पल के लिए ये अपने अलग से करके रखा है बाहर? हाँ, तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ कल्चर हम फॉलो करते हैं कि जूते चप्पल जो होते हैं वो हम यहीं उतरवा लेते हैं, ताकि क्या है स्वच्छता बनी रहे। और एक और विशेष बात, यहाँ की सफाई यहाँ के स्टूडेंट ही करते हैं। क्या मजाक कर रहे हो सर, स्टूडेंट सफाई कर लेते हैं? स्टूडेंट खुद यहाँ की सफाई करते हैं, मैं उनके साथ में मिलके झाड़ू लगाता हूँ, हम यहाँ मिलके पोछे लगाते हैं, और सारे स्टूडेंट इस काम में मदद करते हैं, और ये सफाई रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, और ये बड़ी खुशी से वो करते हैं। मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं देता कि आपको जो है वो मेरे साथ में सफाई करनी है, स्वतंत्र रूप से मैं कह देता हूँ हाथ में झाड़ू रख करके कि चलिए भाई सफाई करनी है, जो जो करना चाहता है वो कर ले। तो लगभग सभी खुशी के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, और बाकायदा यहाँ चप्पल जूते रखते हैं, और जो है वो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। अभी मैं आपको यहीं पर इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि आप पहले मेरे पहले जाइए, अभी क्लास में कोई नहीं है, और कोई टीचर ना होने के बावजूद भी स्टूडेंट सेल्फ डिसिप्लिन कैसे होते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। और हो सकता है कि किसी को ये लग रहा हो कि हमने ये बनावटी तरीके से करा है, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि कभी भी कोई भी यहाँ पर आकर के, स्टूडेंट भी, पेरेंट्स भी, कोई भी आकर के यहाँ देख सकता है, कभी भी सेम डिसिप्लिन मिलेगा। यदि मैंने बनाया होगा तो एक बार किया जा सकता है वो काम, लेकिन वो यदि है तो वो हमेशा दिखाई देगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर आके देखना है कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है। तो आप मेरे पहले जाइए। बिल्कुल सर, हम देखते हैं पहले, आप देखिए कि क्या डिसिप्लिन है। ओके सर, तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं सबके सर।
सही बोल रहे थे सर, बच्चे अपने काम में मगन हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने बताया था कि बच्चे अपने अपनी पढ़ाई कर रहे थे एकदम सिंसियर होके, लेकिन सर ये तो कॉलेजों के बच्चे हैं, विश्वास नहीं होता कि इतने सिंसियर तरीके से पढ़ाई कर रहे थे। बिल्कुल सही बात है, कोई भी यहाँ पर जब आता है तो उसे विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पर जो है कोई स्टूडेंट इतने शांति से कैसे बैठ सकता है, जबकि यही स्टूडेंट कहीं पर और बैठेंगे तो इतना शांत नहीं बैठ सकते। तो बस मैं इसको ऐसे ही कहूँगा कि मंदिरों और मस्जिदों में कहीं पर हम जाते हैं तो अपने आप शांति अपने मन में आ जाती है। तो अभी आप भी, मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पर, मतलब शांति महसूस हो रही है या सन्नाटा महसूस हो रहा है? सर इतनी शांति है कि ऐसा तो कभी सोचा नहीं था कि कोचिंग में भी इतनी शांति हो सकती है। तो बस यही एक भावना के वजह से ये पढ़ रहे हैं, जो हम भावना से पढ़ाते हैं कि ये लोग अपने लिए पढ़ रहे हैं, और इतने शांति से तभी पढ़ पाते हैं जब कि इनके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए कि हमारा सफलता पढ़ के ही निकलेगा, बातें करके नहीं निकलेगा। तो ये जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि हम लोग सफलता के लिए मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर हम अपने माता पिता को दिखाने के लिए नहीं आते। तो हमारा अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से, यानी कि हम बहुत ज़्यादा एथिक्स में काम करते हैं। एथिक्स में इसलिए काम करते हैं क्योंकि हर एक बच्चा जो है हमारे पास में लगभग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है। हर बच्चा कैसे फ़ीस भरता है, माता पिता कैसे कमाते हैं, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम भी हमारे घुटने तोड़ रहे हैं, कमर तोड़ रहे हैं मेहनत करने के लिए। तो माता पिता क्या कर रहे हैं उनसे हमको समझ में आता है कि भाई पैसे कमाना बहुत मुश्किल बात है। यही बच्चों को बता दिया जाता है यहाँ पर कि कैसे जो है वो आप अपना समय यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और यदि आप अपना समय अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं तो आप ये समझिए, जैसे ये सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, आप देखो कि अपना अपना काम करते रहेंगे। अभी मैं आपको विश्वास दिला दूं कि ये सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये बनावटी तरीका नहीं है। इनके बाजू में बम फोड़ दीजिए लेकिन ये हिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है। मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन ये इनका पढ़ाई करेंगे। ऐसा कभी भी आकर के, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हो सकता है किसी को दिखावटी लग रहा हो, लेकिन ये इनकी ट्रेनिंग है। हम हमेशा ट्रेनिंग ऐसे देते हैं जैसे किसी सैनिक को ट्रेनिंग देते हैं। सैनिक कैसे होता है कि वो एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है। तो हम लोग भाई आर्मी की बहुत इज्जत करते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग एकदम आर्मी जैसी दी जाती है, अपने काम पे फोकस करो, इसीलिए इतना सफलता का रेट यहाँ पे ज़्यादा है। क्योंकि इतना फोकस्ड होकर के जब बच्चा मेहनत करेगा तो फिर कैसे सफलता नहीं मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया इनके शांत और सरल होने का मतलब जो कारण था। नंबर दो, जो स्टूडेंट नीचे बैठे थे, आज ये बच्चे भी जो है वो नीचे बैठे हुए थे एक समय पर, आज ये ऊपर आ गए हैं। ये मेरा सबसे प्रिय बैच है, इसे मैं एकलव्य बैच कहता हूँ। ये हमारा एकलव्य बैच है। इस बैच में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं इनके सफलता की गारंटी मैं देता हूँ। जब तक ये सफल नहीं होंगे, जब तक मैं इनका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ, जब तक नहीं होंगे मैंने कहा, और जब तक ये सफल नहीं होते हैं, जब तक मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब ही है कि ये सफल होके ही रहेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम यहाँ पर सफलता के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ टाइम चलाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बच्चे आते हैं सुबह 8 बजे और जाते हैं 5 बजे, यानी इनकी 9 घंटे की सिटिंग है, 9 आवर्स। और ये एक इनका 35 मिनट का लंच होता है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि लंच कैसे करते हैं। तो 35 मिनट का इनका जो लंच टाइम है, उसके अलावा ये ऐसे ही बैठ के पढ़ते रहेंगे कॉन्सेंट्रेट होकर के। इन्हें ये समझा दिया जाता है कि क्लासेस में कोई भी आ रहा हो, कोई भी जा रहा हो, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। देखिए, आज 500 रुपये में लोग लाइब्रेरी के नाम पे पैसे ले रहे हैं और इस तरीके से पार्टीशन करके दे देते हैं। इन्हें कोई पार्टीशन की ज़रूरत नहीं है। ये बाजू वाला भी एक दूसरे को नहीं देखेगा और ये अपने काम से काम रखेंगे। तो ये इनका पढ़ाई का स्तर है, और ये 9 आवर्स सिटिंग करते हैं। इनके फैमिली मेम्बर से हम खुद जाके बात करते हैं घर पर जा कर के, तब जा कर के ये हमें एग्री करते हैं कि 9 घंटे बैठो। सर 9 घंटे का ठीक है, लेकिन 9 घंटे ये पढ़ाई कर लेते हैं? विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए, इसके लिए मैं आपको विश्वास कैसे दिलाऊं, इसी चैनल के ऊपर मैं आगे आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगा, और मैं टाइम लैप्स भी, यदि हो सका तो टाइम लैप्स भी मैं आपको दिखाऊंगा 9 आवर्स स्टडी का। ये मैं आपसे वादा करता हूं, इसी चैनल के ऊपर मैं टाइम लैप्स दिखाऊंगा, यानी कि एक कैमरा होगा और इनके 9 घंटे की सीटिंग होगी, और ये 9 घंटे में कैसे पढ़ाई करते हैं ये आपको बताया जाएगा। कि आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि 9 घंटे बैठ के पढ़ते हैं दिखा करके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल करके। अच्छा सर, एक दो डाउट है। जैसे कि आपने बाहर बोला था कि जैसे हम सफाई भी बच्चे ही करते हैं,
तो मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सच में वो करते हैं क्या? बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, और मेरा कोई डर नहीं है, मेरा कोई भय नहीं है यहाँ पर। और उसकी सफाई मैं आपको बता दूं कि उसको सफाई करते हुए भी मैं आपको बता दूंगा कि वो वीडियोस भी अवेलेबल हैं हमारे पास। अच्छा। पहले तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि कोई कहाँ से क्या आता है, आप पूछना चाहें तो। जी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जी आपका नाम बताइए। मोहिनी यादव। मोहिनी, आप कहाँ से आते हो? मुंदी से। यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ता है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर से आप आते हो। तो जैसे सर ने बताया था कि यहाँ के स्टूडेंट खुद ही सफाई करते हैं, तो ये सही है क्या? हाँ सर, हम खुद ही सफाई करते हैं। आप लोग करते हो? हाँ। तो सर करवाते हैं या फिर आप मन से करते? नहीं हो? हम हमारे मन से करते हैं। अच्छा, सभी स्टूडेंट करते हैं? हाँ, सब अपने मर्जी से करते हैं। और जैसे कि सर ने बताया 9 घंटे, तो आपका भी टाइम शेड्यूल क्या है? सुबह कितने बजे आते हो? 8 बजे। 8 बजे घर जाने का टाइम? 5 बजे। 5 बजे। तो बाकी के टाइम में खाना और ओनली पढ़ाई? हाँ। खाने का टाइम कितना रहता है? आधे घंटे। और बाकी पढ़ाई? ठीक है। और भी हम कुछ बच्चों से बात करते हैं, कहाँ से आते हैं? जी आपका नाम बताइए। वंशिका सेन। कहाँ से आते हो आप? मुंदी से आते हो। 30 किलोमीटर पड़ता है मुंदी? यस सर। तो और पढ़ाई? पढ़ाई यस सर। ठीक है। और भी हम इधर बच्चों से बात करते हैं खंडवा के। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम अंतरिक्ष बंटोडे। ये क्या कर रहे हो आप? सर ये संविधान पढ़ रहे थे। संविधान पढ़ रहे हो? जी सर। ये लिख क्यों रहे हो इसमें? सर इससे लिखने से याद होता है। लिखने से याद होता है? जी सर। आपको इसका फ़र्क दिखता है? यस सर। और ये हमने तो नहीं देखा, ये आपके यहाँ भी स्पेशल चलता है क्या? यस सर। अच्छा, कहाँ से आते हो? सर मेरे यहाँ रूम है। रूम से रहते? यस सर। प्रॉपर गाँव कौन सा है आपका? ये सर फुनासा डैम। फुनासा डैम कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 60 या 65 के आसपास। अच्छा, वहाँ से आके यहाँ रूम से रह रहे हो? यस सर। तो फिर फ़ायदा दिख रहा है आपको पढ़ाई में? यस सर। सिलेक्शन हो जाएगा आपका? वो सर। यस सर। कन्फर्म? यस सर। तो बच्चे बहुत शोर होके बोल रहे हैं, और एक चीज़ थोड़ी अजीब दिख रही है सर। सर ये आपका जो कूलर है? अच्छा, ये अजीबोगरीब लग रहा है। ये कूलर का थोड़ा जो कहानी है वो अलग प्रकार का है। ये कूलर हम ही लोगों ने मिल करके बनाया है, और बस ऐसे समझ लीजिए कि ये एक इंस्पिरेशनल चीज़ है बस, जो हमने खुद ही क्रिएट कर दी है। ये बताने के लिए कि जब हमारी ज़रूरतें जो है वो ज़्यादा हो, या उतनी हम पूरी ना कर पा रहे हों पैसे के टर्म्स में, तो दिमाग चलाओ, अपने आप चीज़ें बन जाती है। तो ये हमने यहीं पर क्रिएट करा है। इसमें हमने सिर्फ फ़ैन जो है वो अलग से ख़रीदा, और ये भी फिन्स भी हमने यहीं पर बनाई हैं, और जो है सारा काम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ DIY का है, यानी कि जुगाड़ का है। तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब हम नहीं ख़रीद सकते, लेकिन सीधी सी बात है कि यदि आपके पास में कुछ आपके पास में यदि टैलेंट है तो उसका इस्तेमाल करिए, और ये सब बच्चों के प्रेरणा से ही हो पाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ क्रिएटिव तरीके की हैं, मैं आगे के कभी वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है सर। ये आपका जो पोस्टर है पूरा वर्दी से भरा हुआ है। वर्दी एग्ज़ाम, वर्दियों की जो अभी परीक्षा निकली थी उसमें कांस्टेबल से हमारे यहाँ पर 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें कि आप लोगों ने जो एक चीज़ देखी होगी कि एक ही घर से 3 बहनें, दैनिक भास्कर में वो खबर आई थी, बड़ी मोटिवेशनल थी। तो वो 2 बहनों का भी यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखेगा। ये रिजल्ट्स में कभी आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ बेसिक यहाँ का, इसीलिए मैं रिजल्ट्स को आज छोड़ देता हूँ। आगे के वीडियो में मैं आपको कभी रिजल्ट्स के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। तो आप यदि इसके बारे में और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर ये अपने बुक्स वगैरह रखी है, लाइब्रेरी सुविधा भी सब की यहीं पर? देखिए लाइब्रेरी का मतलब हमारे लिए क्या होता है कि लाइब्रेरी का मतलब ये होता है बच्चे को आखिरी तक असिस्ट करना, यानी कि उसको ये भी समझाना कि पढ़ाई कैसे की जाती है। जैसे अभी आपने उस बच्चे से पूछा था कि लिख के क्यों याद कर रहे हो, आप यहाँ पर एक बार ज़रा ध्यान दीजिए कि कोई भी स्टूडेंट बिना लिखे याद कर रहा है क्या? ज़रा ऑब्ज़र्व करिए कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट है जो बिना लिखे याद कर रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ पर एक एक बच्चे को ये गाइड किया जाता है कि आपको कोई काम करना है तो कैसे करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बैठ गए लाइब्रेरी में, 500 खर्च कर दिए, अब आप पेन घुमाए जा रहे हैं, कॉपियों पे टक टक करते जा रहे हैं। यहाँ पर इतना टाइट शेड्यूल होता है बच्चे का कि वो बच्चा हिल भी नहीं सकता है।
यानी कि सुबह से शाम तक, और ऐसा कोई प्रेशर से नहीं होता है, ये तैयार किया जाता है, एक दिन में नहीं हुआ ये बच्चे 6-6 महीने से ये काम करते हुए आ रहे हैं तो ये बैठ पाए हैं। तो हम बच्चे का ख्याल रखते हैं कि पहले उसको धीरे से थोड़ा प्रेशर बढ़ाते हैं फिर प्रेशर, तो यहाँ ख्याल बहुत रखा जाता है, इसीलिए तो इतने रिजल्ट आते हैं। जब बच्चे का ख्याल रखा जाता है तो वो आज के ज़माने में यही चाहता है, वरना पढ़ाने वाले तो यूट्यूब पर बहुत धुरंधर मिल जाएंगे लेकिन ख्याल रखने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ ख्याल रखा जाता है। हर एक स्टूडेंट से मैं 2-3 बार मिलता हूँ दिन में, उनसे बातें करता हूँ, उनसे विचार करता हूँ कि कोई काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो ये सब हमारे यहाँ का कल्चर है। तो हम यहाँ पर गाइड करते हैं स्टूडेंट को, लाइब्रेरी नहीं है ये लाइब्रेरी नहीं है, ये एक प्रकार की पाठशाला है जहाँ पर कि बच्चे अंडर गाइडेंस पढ़ते हैं सब, और ये गाइडेंस का हमारा पूरा शेड्यूल है जो मैंने यूट्यूब के चैनल पर भी डाल के रखा हुआ है। ठीक है, तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर, जिससे बच्चे बैठे तो हैं अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचर अवेलेबल रहते हैं या फिर इनको टास्क दिया जाता है ये कंप्लीट करते हैं? देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए समय समय पे टीचर और समय समय पे सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, तो इन्हें 3 घंटे टीचर मिलते हैं और बाकी के 6 आवर्स जो रहते हैं 9 आवर्स में से ये सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि टीचर का काम है बताना लेकिन उसको पचाने का काम स्टूडेंट का होता है। तो ये 3 आवर्स इनकी डेली क्लासेस होती हैं टीचर्स के माध्यम से, और 6 आवर्स दो हैं वो बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का मौका मिलता है। तो यही सबसे बड़ी खूबी होती है इस जगह की कि यहाँ पर बच्चा जो नॉलेज दिया जा रहा है टीचर, क्योंकि टीचर का काम क्या है, परोस करके चले जाना, खाना और पचाना इन बच्चों का काम होता है, तो वो उसमें जितना 3 घंटे का क्लास है उससे 6 घंटा इनको पचाने में लगता है उस नॉलेज को। तो इसीलिए ये जो समय है, ये समय जो है उनको देना हमारी एक रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ? बस सर यही बोलना चाहूँगा, बच्चों ने सफाई बहुत शानदार की है। हाँ, ये तो है कि हम लोग स्वच्छता में बहुत ध्यान रखते हैं और स्वच्छता से ही बुद्धि का विकास होता है। आप स्वच्छ वातावरण में यदि बैठे हुए हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये नैतिकता भी सीखते हैं, एथिकल सीखते हैं यहाँ पर पढ़ने के बाद, कि यहाँ बच्चे खुद सफाई भी करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, कोई कचरा भी नहीं करता है। दूसरी बात, विचारों का भी कचरा नहीं करता है कोई भी, यहाँ पर बातें नहीं करता, इससे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन पैदा होता है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस जगह पर जो इनसे भी आगे के स्टूडेंट हैं, यानी यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही है, हम अंत तक कह रहे हैं तो अंत तक ही है, और उस अंत में बहुत कुछ है, मैं आपको पहले बता दूं। तो अब मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूं जहां पर बच्चा करीब करीब 1-1.5 साल जब तैयारी कर लेता है तो भी हम उसका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। वो बच्चे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं, उन्होंने हमें बहुत समय दिया होता है, तो वो उनसे हमारा एक पारिवारिक रिश्ता बन जाता है एक प्रकार से। तो ऐसा समझ लीजिए कि वो सब मेरे छोटे भाई बहन ही हैं और जिन्हें मैं चाहता हूँ कि वो वक्त पर सफल हो जाएँ। तो अब मैं आपको वहीं लेके चलता हूँ। अजय को बिठा रहे थे, हाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था कि यहाँ पर हम ये बॉयज़ भी हैं, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ पर गर्ल्स को ही देखा, यहाँ पर ये बॉयज़ भी बैठ करके आपको पढ़ाई करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये बॉयज़ की सीटिंग है और वहाँ पर आप देख सकते हो तो वो गर्ल्स की सीटिंग है। हम नीचे वापस से आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, तो ये गर्ल्स पढ़ती हैं यहाँ पर स्पेसिफिक बॉयज़ पढ़ते हैं, सेपरेशन पूरा का पूरा रहता है, अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और बाकायदा देख सकते हो आप सबके सब जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये बच्चा जो है प्रहलाद है, ये हमारा सबसे छोटा सदस्य है और ये अभी फ़िलहाल 10वीं पास ही है, अब ये 11वीं में जाने वाला है और इसने अपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी शुरू कर दी है। इसको बोलते सही गाइडेंस। ये है हमारा भविष्य का कलेक्टर, तो ये तो वैसे SP बनना चाहता है, तो इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो प्रहलाद बनोगे कि नहीं बनोगे? बनूंगा, बिल्कुल बनोगे। कहाँ से आते हो? देसगांव। देसगांव कितने किलोमीटर दूर है यहाँ से? 25। घर वाले पहुँचा देते हैं? जी पहुँचा देते हैं, क्योंकि हम घर वालों से बात करके ही बुलाते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमने प्रॉपर गाइड करने के लिए इनको चुना है। तो ये बच्चे जो हैं ये अब से शुरू कर रहे हैं और ये आगे आने वाले, इनके पास आज 11वीं 12वीं है और उसके बाद में 3 साल ग्रेजुएशन के 4 साल ग्रेजुएशन के, उसके बाद में ये कुछ बनेंगे। तो अब ये गर्ल्स देख सकते हो, गर्ल्स भी लंच करने के लिए, अब इनका टाइमिंग हो गया है तो अब ये लंच करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर के बाद में कि ये इनका लंच का टाइमिंग चलता रहेगा। तो आपको मैं पहले वही बता देता हूँ पहले कि लंच कैसे हमारे यहाँ पर शांति से करते हैं। इनको इनको बहुत शांति, क्योंकि ये सभी बच्चियाँ जो है और बच्चे जो हैं ये अभी, जैसे पहले लड़कियों का लंच हो जाएगा फिर लड़के लंच करेंगे,
तो ये लड़कियाँ जो हैं सभी के सभी 8 बजे आ जाती हैं, तो इसी वजह से ये सारे बच्चे अपना लंच साथ में लेके आते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी हम मानते हैं कि इनको लंच का भी स्पेस देना है। और बाकायदा ये नहीं है कि मतलब ये इतने शांति से खाते हुए इसलिए दिख रही हैं क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, ये इतने ही शांति से यहाँ पर भोजन होता है क्योंकि यहाँ पर बैठ करके आप बाजू में देखो यहीं पढ़ाई भी हो रही है, तो ये पढ़ रहे हैं और ये यहाँ पर खाना चल रहा है। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको कहा कि हम लोग ज़रूरत वाले स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इसका मतलब ही ये है कि ये कोई भी बच्चा इनके ऊपर प्रेशर नहीं दिखेगा चेहरे पे आपको, ना गुस्सा दिखेगा ना कुछ, इतने आनंद से पढ़ रहे हैं कि इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें से कोई भी स्टूडेंट जो होगा वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ऐसा क्यों बैठा दिया, ये क्यों कर दिया, वे अपने मर्जी से ये काम कर रहे होते हैं। और इसीलिए ये जगह हमने इतने सालों में इस तरीके से बनाई है कि यहाँ से सिलेक्शन इसलिए जल्दी होते हैं क्योंकि लोग फोकस्ड होते हैं अपने सिलेक्शन पे, ना कि अन्य सुविधाओं पे। तो आपने जो शुरुआत में देखा होगा उसको अभी मैं यहाँ पर लेकर के आ गया हूँ। तो अब मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जो मैं आपको लेके जा रहा था बीच में ही इनका, क्योंकि इनका लंच हो गया था, तो अब मैं उनको आपको लेके चल रहा हूँ उस जगह पर जहाँ पर कि हमारे उन स्टूडेंट्स को हम बिठाते हैं जिन्हें लगभग पढ़ते हुए 1.5 साल 1.25 साल के लगभग का समय हो चुका होता है, और उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं। अच्छा। हाँ, और वो अभी भी बैठे हुए हैं, और वो क्यों बैठे हैं वो खुद ही उनका कारण बताएंगे, हमारे यहाँ की भावना बताएंगे। तो मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। सर, ये आपका कौन सा रूम है, पूरे पर्दे से बना दिख रहा है? हाँ, ये भी हमारी एक अलग जुगाड़ है, क्योंकि ध्यान दीजिए मैं बार बार ये कहूँगा कि हमारे पास में संसाधन कम है, और जो भी है वो हमारी सिर्फ भावना है बच्चों को पढ़ाने की। आप कह सकते हो कि हमारे पास में इतने कम संसाधन है कि शायद हम गरीब ही हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर पढ़ाई के मामले में सब अमीर हैं, पढ़ाने के मामले में और पढ़ने के मामले में। बाकी सब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हमने यहाँ छोटे छोटे कमरे बनाए हैं। ये भी कोई कमरा नहीं है, ये जस्ट एक प्रकार से कपड़ा टांग करके हमने जो है दीवार बनाई है। तो इन बच्चों को अलग बिठाने का कारण हम जान सकते हैं कि हमने क्यों बिठाया। ये वे बच्चे हैं जो पढ़ते पढ़ते करीब करीब इनको 1 साल 1.5 साल हो चुका है, और ये सफलता की कगार पर हैं, यानी ये सबसे उत्कृष्ट बच्चे हैं जो रिजल्ट्स आने ही जिनका वाला है। तो इन बच्चों को ये स्पेस हम देते हैं, और ये सेपरेट स्पेस होता है इनका। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि ये बाकायदा, जिसको कहना चाहिए, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अपने अपने स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ पर इनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये 1.5 साल 1.25 साल में ये सीख चुके होते हैं कि कैसे पढ़ाई जो है वो की जाती है, कैसे जो है पढ़ाई की जाती है। मतलब ये 1.5 साल में ये सीख चुके हैं कि ये कैसे पढ़ाई करना है इनको, वरना ऐसा है कि वरना इनको ही हम हर चीज़ बताते रहें ये संभव अब नहीं हो पाता है। ये बहुत मेच्योर हो चुके बच्चे हैं, अब इनको पता है कि इनकी कमियाँ कहाँ हैं, जहाँ पर हमारी ज़रूरत होती है हम यहाँ पर आके इनको मदद करते हैं। तो ये क्लास में को आपको बतानी थी, और कुछ आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। सर, यहाँ पे बच्चे, हम बात करना चाहेंगे बच्चों से, किसका किसका रिज़ल्ट आ गया है, कौन कहाँ से आता है? हाँ, ये भी आप पता कर सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चों का क्वालिफिकेशन कुछ एग्ज़ाम्स में हो चुका है। हाँ। और कुछ बच्चे अपने रिजल्ट्स को वेट कर रहे हैं, फिर भी वो आते हैं, आप उनसे बातचीत बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्टूडेंट से बात करते हैं जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम साहिल खान है। साहिल, तो अभी कोई सा एग्ज़ाम आपका रिसेंट में निकला है? हाँ सर, मेरा अभी SSC GD का एग्ज़ाम निकला है, फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, अभी मेडिकल के लिए वेट कर रहा हूँ। मेडिकल के लिए कहाँ से आते हो आप? मैं ग्राम भकराड़ा से आता हूँ। भकराड़ा से? भकराड़ा के बहुत चर्चे सुने हैं, तो वहाँ से और भी सिलेक्शन हुए हैं? सर, भकराड़ा के बारे में तो बहुत कुछ सुनने में आया, अभी 3 लड़कियाँ 3 बहनें एक साथ कॉन्स्टेबल में सिलेक्ट हुई है, फिर समथिंग वहाँ से 6 से 7 सिलेक्शन हो गए हैं, और इसी कोचिंग से हुए हैं, और अभी एक होने वाला है सिलेक्शन, नया सिलेक्शन। चलो धन्यवाद, और बच्चों से बात करते हैं जी, इनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम बताइए। नीलेश बारे। नीलेश, आपको किस एग्ज़ाम में हो गया है? GD निकला सर, अभी फिजिकल बाकी है। फिजिकल और मेडिकल बाकी है? हाँ, आपका मेडिकल बाकी है। ठीक है, और आपका नाम बताइए। अजय दामोदर। अजय, आपका कोई सा एग्ज़ाम? सर, मेरा अभी हाल फिलहाल RRC Group D निकला है, और इससे पहले मेरे 2 एग्ज़ाम निकली हुई है। कौन कौन से? सर, पहले मेरा मध्य प्रदेश कॉन्स्टेबल निकला है, और NTPC Level 2 निकला है। Level 2 निकला। और अभी ग्रुप डी की तो जैसे चल रहा है, तो आपका क्या बाकी है? सर, मेरा पैनल में नाम भी आ गया है, सिर्फ अब कॉल लेटर आना बाकी है।
जब कॉल लेटर आना बाकी है फिर भी आप यहाँ आके पढ़ाई कर रहे हो? सर जैसा कि सर ने हमको समझा के रखा है कि जब तक आपके हाथ में कॉल लेटर नहीं आएगा तब तक आपको कोचिंग आना है, तो इसलिए मैं रोज आ रहा हूँ अभी। अच्छा बढ़िया सर, अभी आप बात करना चाहते हैं बच्चों से? आगे बात करते हैं हम। कहाँ कहाँ से आते हैं? बात करिए सर। इधर हम बात करते हैं, आप बताइए आप कहाँ से आते हैं? सर छेगा माखन से। छेगा माखन कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तो आप ये कोचिंग आ रहे हो, आपको किसी ने बताया था या फिर किसी का? नहीं सर ऐसे ही सुनने में आया था। तो सुनने में आए थे, चलो ठीक है। आप बताइए आप कहाँ से आते हो? सर मैं गुड़ी से आती हूँ। गुड़ी से जी। कितने किलोमीटर पड़ता है? 35 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा 35 किलोमीटर। तो डेली अप डाउन करते हो आप? नो सर अप डाउन नहीं करती हूँ मैं, हम लोग यहीं पर रहते हैं। यहीं पर रहते हैं। तो बहुत बहुत दूर से बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे भी। लेवल 3 में आने के बाद भी वही देखने को मिल रहा है, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम बातचीत करते हैं जी। आप बताइए आपने अभी हाल फिलहाल कोई सा एग्ज़ाम दिया है? मैंने CGL का प्री क्वालिफाई किया था, मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ किसी वजह से, और अभी CHSL का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें 145 मार्क्स है। अभी कट ऑफ का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट आई थिंक कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा एंड आई प्रिपेयर फॉर मेंस CHSL। SSC की एग्ज़ाम इन्होंने निकाल दी है। और हम बात करते हैं इधर, ठीक है आपका नाम बताइए? कृष्णा यादव सर। कृष्णा अभी हाल फिलहाल कोई सा एग्ज़ाम दिया है आपने? यस सर SSC MTS का एग्ज़ाम दिया था। SSC MTS यस सर। कैसा रहा एग्ज़ाम? अच्छा था सर, 50 क्वेश्चन का पैटर्न था उसमें। हाँ। तो उसमें 40 अटैम्प्ट करें। 50 में से 40 अटैम्प्ट कर? यस सर। बढ़िया निकल जाएगा सर, उम्मीद तो है, देखते हैं आगे क्या होता है, रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। अच्छा ठीक है। और इससे पहले कोई सा एग्ज़ाम आपने आबकारी दिया था? यस सर आबकारी का दिया था, उसमें मेरे 73 नंबर आए थे। 73 नंबर? यस सर। आउट ऑफ 100? यस सर। बढ़िया रिजल्ट है। जैसे कि सर हमने बच्चों से बात करी तो लगभग सभी बच्चे ऐसे हैं जिनकी एग्ज़ामें तो निकल गई है तो अभी भी आगे पढ़ रहे हैं, बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। बिल्कुल इन्हें ये मान के चले कि ये सभी स्टूडेंट वो हैं जो मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी। अब मैं आपको सबसे पहले वो याद करवाता हूँ कि कहाँ से हमने शुरुआत करी थी। एक स्तर था जहाँ पर स्टूडेंट नीचे बैठ रहे थे, फिर हम ऊपर वाले स्तर पर गए थे और फिर हम इस स्तर पर वापस आ गए हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जिन्हें शुरू से ही एक सीख दी जाती है, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आपको इंस्टीट्यूट आते रहना है। हम भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और ये सभी स्टूडेंट से मैं चार चार करके काउंसलिंग भी लेता हूँ, यानी कि लगभग चाहे 2 महीने हो जाएं 3 महीने हो जाएं, लेकिन मैं इनसे स्पेसिफिक बात करते रहता हूँ ताकि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति कुछ सोच करके अपनी पढ़ाई ना छोड़ दे। बहुत सारे लोगों से मैं पर्सनली इस स्तर पर, ये तो मेरा एक ऐसा फैमिली है छोटा सा इसको मैं कह सकता हूँ, जहाँ पर कि मैं इनका ख्याल इसलिए नहीं रखता क्योंकि ये सिर्फ मेरे स्टूडेंट हैं। इतने लंबे समय तक जुड़ने के बाद में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है, जहाँ पर ये सब मेरे परिवार के छोटे ही लोग हैं जो सफल हो जाएंगे तो मेरे लिए एक गर्व की बात होगी और इसी भावना से हम यहाँ पर पढ़ाई करवाते हैं। तो मैंने आपको ये पूरा इंस्टीट्यूट बताया और जो भी है वो यही है और आगे भी हमारा उद्देश्य है कि अभी जैसे ग्रुप डी में हमारे करीब 16 जैसे बताया है कि एक बच्चा तो अभी बैठा ही हुआ है, बाकी और भी बच्चे हैं ऐसे जो फ़िलहाल के तौर पर अभी क्योंकि त्यौहारों का समय चल रहा है, मतलब शादियों का समय चल रहा है, नहीं आते हैं। और जो लोग अभी नहीं मतलब सफल हुए हैं वो इस पॉजिटिविटी के साथ मेहनत कर रहे हैं कि ज़रूर हम सफल हो जाएंगे, तो ये मेहनत जो है इनकी कभी न कभी ज़रूर सफल होगी, ऐसा हमारा भी विश्वास है। इस छोटे से शहर में सर अपने कॉन्स्टेबल जैसे एग्ज़ाम में 16 रिज़ल्ट और ग्रुप डी जैसे रेलवे के एग्ज़ाम में 32 रिज़ल्ट निकाल दिए, तो इसका कुछ रिस्पॉन्स आपको कैसा लगता है? अभी फ़िलहाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं पढ़ाई के प्रति, सुविधाओं की तरफ थोड़ा कम ध्यान है, पढ़ाई के प्रति अवेयर हो रहे हैं, ऐसी जगहों को जान रहे हैं जहाँ पर कि वाकई में पढ़ाई हो रही है, और ये योगदान स्टूडेंट का भी है मैं ऐसा पूरा मानता हूँ, क्योंकि जब तक स्टूडेंट नहीं समझेंगे समझाने वाले थक सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट जिस दिन समझना शुरू कर जाएंगे उस दिन अच्छी जगह बनना शुरू हो जाएगी। तो मेरा ऐसा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो सफल हो जाएं, और उम्मीद करता हूं कि यहीं पर जो है ये जो ऊपर के जो बच्चे हैं वो एक वक्त पे इसी स्तर पे आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी सफल होंगे, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। तो अभी हमने देख लिया, सब बच्चों से बातचीत भी कर ली, ये लेवल 3 है और वाकई में लेवल 3 जैसा काम भी है, बच्चे एग्ज़ाम में निकालने के बावजूद भी यहाँ के पढ़ रहे, कॉल लेटर का वेट हो रहा है।
ऐसा हम पहली बार देखा जब बच्चे का कॉल लेटर आ रहा है और बच्चा अब इंजॉय कोचिंग में बैठा है। यही हमारी भावना है, यही हमारी कोशिश है कि एक अच्छा संस्थान बनाया जा सके, और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार के कोशिश करूँगा कि इनके दिलचस्प वीडियोस बता सकूँ। इनके बहुत संघर्ष हैं, जैसे आपने अभी पता किया 60-60 किलोमीटर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो मैं वाकई में इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि इतनी दूर से ये लोग आते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश करके भी मक्कारी नहीं कर सकते, जो भी है दिल से मेहनत करते हैं, इनके साथ मेहनत करते हैं, और ज़रूर एक दिन जो है मेरा पूरा कोशिश है कि खंडवा जो है कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान दर्ज करेगा। अभी तक तो सर यही सुना था कि बच्चे पढ़ाई के लिए इंदौर जाते हैं, रूम लेके रहते हैं, पहली बार सुना खंडवा में भी लोग रहते हैं रूम लेके। बिल्कुल रहते हैं और आगे भी ये रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट को पूरा अंदर से जान लिया है, कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या होता है, किस किस लेवल में पढ़ाई होती है, और अंत तक जाते जाते ये हमको मिला कि बच्चों के सिलेक्शन भी हो गए हैं और यहीं बैठे हैं। बताओ तो और भी मिलेंगे, और भी ऐसे वीडियो लाएंगे जिसके और भी इसी के बारे में अधिक जानकारी आपको बताएंगे, क्या चलता है अंदर, किस टाइप से पढ़ाई होती है, सेमिनार कैसे होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।